खरगोन जिले के ग्राम अंबा में सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां बस की टक्कर से सड़क किनारे खड़े 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों सहित समाजजनों ने बस चालक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस थाने पर शव रख कर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी रखते ही मौके पर पहुंचे विधायक सचिन बिरला के आश्वासन के बाद आदिवासी शांत और फिर शव का दाह संस्कार किया गया। बेड़िया थाना अंतर्गत ग्राम अंबा में शनिवार के एक यात्री बस ने 45 वर्षीय नरसिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नरसिंह जामनिया ग्राम का निवासी था और घर लौटने के लिए सड़क के किनारे खड़ा था। मृतक नरसिंह के शव को पोस्टमार्टम हेतु सनावत शासकीय अस्पताल में लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने दोषी बस चालक की गिरफ्तारी और बस को जब्त करने की मांग को लेकर बेड़िया पुलिस थाने पर मृतक का शव रख कर धरना दिया और क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला को पुलिस थाने पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। मृतक के परिजनों व आदिवासी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट लिखाने गए मृतक के परिजनों व समाजजनों को बेड़िया पुलिस थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया। धरने के आधे घंटे बाद विधायक सचिन बिरला पुलिस थाने पहुंचे और आक्रोशित आदिवासी नागरिकों की शिकायतों को सुना। विधायक ने तत्काल मृतक नरसिंह के अंतिम संस्कार हेतु 25,000 रुपये देने की घोषणा की और नरसिंह की 4 पुत्रियों और 1 पुत्र की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। विधायक ने आदिवासी समाज को आश्वस्त किया कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल को लेकर जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने और मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। विधायक से चर्चा के बाद आदिवासी समाज का रोष कम हुआ और मृतक के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पूरा विषय एक जना एक कोई बोलो एक बोलो अगर एक बोल रहा हूं सर, इससे ये है कि मृतक है उसी घटना डाबी के 6 बजे शाम को हुई है। कहां पे डाबी? डाबी अपने थाने पास, अपने थाने लगता है। तो हमारे भाई बंधु गए वहां पर, डेड बॉडी को पिकअप लाए। यहाँ की प्रशासन एम्बुलेंस तक नहीं पहुँचा सकती। ये बहुत बड़ी समाज की घटना है मेरे सामने। बहुत निंदा करता हूँ कि मेरे भाई को एक्सीडेंट हुआ है और मेरे समाज का भी एक्सीडेंट हुआ और उसको एक पिकअप में लाया गया है। इसकी बड़ी निंदा करता हूँ पुलिस प्रशासन से भी। दूसरी घटना, जो मेरा भाई यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाना है कि साहब मेरे भाई की दुर्घटना है, इस घटना तो सीए साहब ने बोला है, भाई करके हमेशा हमारे तीन साल से करा जाता है। जो दुबे हमेशा हमारे को माँ बहन बेटियों को, इनकी माँ बेटी नहीं है सर, हमारी माँ बेटी है। तो इस्लाम अजय दुबे यहाँ का पुलिस प्रशासन है, थाने पे स्टाफ साहब के तो पद पे अभी, वो हमेशा गाली गलौज करता रहता हमको। जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हम कुछ संगठन की समस्या लेकर आते, कुछ समाज संगठन लेकर आते, तो हमेशा बोले हम सेंड करते रहते हैं वो समाज। फिर हमारा आज की इससे ये बंधु है कि जो हमारा मृतक मरा है उसको, उस परिवार का छोटा बच्चा 5 बेटी है, उसको सही राशि दिया है, उसकी उस परिवार को पढ़ाया जाए और बस जो चालक है उस बस को यहाँ लाया जाए और उस परिवार को सही राशि दी है। बस का क्या नफड़ा सर? जो बस वो बस छूट के जो एक्सीडेंट करके गई वो बोले कि आयकर थाना है। आयकर थाना ऐसे बता रहे हमको, गुमराह कर रहे थे लोग, बोले आयकर थाना है, गोगांव है और पार्किंग है, हरगोन में रख दी है, ऐसे गुमराह करते रहे और बताते बोले आप बस को फोड़ दो। जब हम बोल रहे हैं, हम इतने जमदार लोग बोले लिखित में दे रहे कि हम बस को फोड़ तक नहीं, लिखित में दे रहे जब मानने तैयार नहीं, बोले आप फोड़ दो। वापस सुन आ रहे सर के ड्यूटी का फर्ज था, सर को बार बार रिपोर्ट थी तो सर बस को लाना था रात रात में। तुमको समस्या का समाधान चाहिए ना, ये विषय ठीक नहीं। अपन लास्ट को थाने लाए, अगर इतना बड़ा न्याय संगत काम नहीं हुआ है तो मैं एसपी के पास जाऊंगा तुम्हारे साथ, एक प्रतिनिधि मंडल बना के, और जो दोषी है उन पे कार्रवाई मैं करूँगा। ये आश्वासन दे रहा हूँ तुमको, एक प्रतिनिधि होने के नाते अगर इनने तुमको इतनी गाली दी है तो इन पे कार्रवाई होगी। शांति पकड़ो, ये अच्छा नहीं है। ये अपन लास्ट है ना, ये अपना बच्चा परिवार का फ्यूचर, इसको ज्यादा रखना नहीं है। एक इन्होंने तुमको गाली दी, तुम्हारा ये विषय। दूसरा सुनो सुनो, एक सेकंड, जो विषय है उस पर बात करना, फालतू बात करके क्या है भाई। दूसरा अजय दुबे ने आपको गाली गलौज करता है, और कोई विषय नहीं है। ये होगी ठीक है, सुनो। एक घंटे पहले मुझे मालूम पड़ा कि डाबी के पास में बेड़िया थाना अंतर्गत नरसिंह हमारे आदिवासी समाज का युवा साथी था, एक बस ने उसे टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हुआ, वो शांत हो गया। और आदिवासी समाज के सभी करीबन या 150-200 समाज के गणमान्य लोग आदिवासी समाज के बैठे हैं, थाने पर लाश को रख के बैठे, अच्छा विषय नहीं है। मुझे बुलाने का इन्होंने निवेदन किया, मैं आया हूँ। और जो मुझे बताया गया
कि टीआई ने इनके साथ अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी, अजय दुबे ने गाली गलौज करी, कल रात से लोग बैठे हैं, इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, इनको भगाया गया और बस को खरगोन पहुंचा दिया गया। तो मैं आज सब आदिवासी समाज के भाइयों को मैंने आश्वस्त किया है कि आपके साथ न्याय होगा, हम बस को वापस बुला रहे हैं और संबंधित अधिकारियों पर एसपी साहब से मिलकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैंने तात्कालिक रूप से मेरी तरफ से अंत्येष्टि के लिए परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये अभी देने की घोषणा करी है। और नरसिंह भाई की 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, जब तक सचिन बिरला विधायक है 5 बच्चों की जिम्मेदारी के रूप में 5,000 रुपये 25,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके परिवार देनों की मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। ये लोग सभी मान गए, बस के आने पर अंतिम संस्कार नरसिंह भाई का होगा। और सरकार हमेशा आदिवासियों के हितों की रक्षा करते आई है और अब भी हम सब लोग आदिवासी भाइयों के साथ हैं, उनके हितों की रक्षा करेंगे और नरसिंह भाई को न्याय मिलेगा। बस भी आएगी, ड्राइवर पर कार्रवाई होगी और संबंधित थाने के दोनों अधिकारियों पर भी कार्रवाई कराएंगे, मैं इनको आश्वासन दे रहा हूँ। अम्बा रोड पर बस से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें नरसिंह पिता रेमा बिरवानिया का था। पुलिस को करीब 9 बजे सूचना मिली, इस पर तत्काल एसआई दुबे और एसआई शीतल सिंघारे एवं फोर्स मौके पर पहुँचा और वहाँ उस समय जब देखा तब वह उसकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस ने जो है तत्काल उसको वाहन की व्यवस्था करके अस्पताल तक लाई, लेकिन तब तक उसकी डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। रात में ही FIR दर्ज की गई, गाड़ी का नंबर पता किया गया और FIR दर्ज करने वाला आज सुबह PM करा। PM कराने के पश्चात अचानक से जो मृतक के गांव वाले थे एवं परिजन थे वह शव को लेकर थाने आ गए और मांग करने लगे कि जो बस ने एक्सीडेंट किया था वह बस को जो है तत्काल थाने पर लाया, जबकि रात्रि में ही बस जो है खरगोन यातायात थाने पर हमने खड़ी करवा दी और उसके बाद हम लोगों ने बस को यहाँ लाकर खरगोन से यथावत उसको थाना परिसर मीडिया में रखवाई है, जबकि कार्रवाई की जाएगी और ड्राइवर से सर अभद्र व्यवहार के बारे में बता रहे थे आपके खिलाफ और सही अजय दुबे के लेकर, ये कब व्यवहार का गलत बता रहे हैं, दुबे का कब बता रहे हैं ये मुझे ज्ञात नहीं है। और जो मेरे बारे में भी बता रहे हैं तो ये मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार की मतलब बात बोल रहे हैं, जबकि ये रात में FIR कराने आए थे तब मैं यहीं मौजूद था रात के 10 बजे। मेरे द्वारा ही जो है पूर्व से एक पार्टी व्यक्ति यहाँ FIR के लिए बैठा हुआ था, उसको मैंने एक तरफ उसको बोल के कि पहले इनकी FIR हो जाए, सबसे पहले मैंने इनकी विचारे की टाइम मैंने मृतक परिजनों को करवा कर दी है। अब इनका जो कहना है वो भी जो आरोप है सारे निराधार हैं। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।